नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल वीके टेक फ्रेंड। अगर दोस्तों आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है या कम चार्ज होता है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आपके स्मार्टफोन में है तो उन सब का सोल्यूशन दोस्तों आज की वीडियो में मैं करूँगा। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों इन सब के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, उस ऐप का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से दोस्तों मैं आपको देखिए बता देता हूँ। जैसे है रिपेयर सिस्टम, इसमें दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद दोस्तों आपका जो भी पूरा डाटा है वो स्कैन हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको दोस्तों आपको क्या करना है, स्कैन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने स्कैन के ऊपर इसे स्टार्ट कर दिया है, तो ये स्कैन होने तक हम इसका वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा रिपेयर सिस्टम तो पूरा स्कैन हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐड वगैरह आएंगी, सिंपली आपको इसे क्लोज कर देना है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। ये देखिए दोस्तों हमारे सामने टिक का मार्क आ गया है और सक्सेसफुली दिखा दिया है। इसका मतलब दोस्तों हमारे स्मार्टफोन में कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों हमें बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके लिए दोस्तों जैसे देखिए अगर आपका फ़ोन हैंग होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, फ़ोन बूस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका एक स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद दोस्तों आपका स्मार्टफोन बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। अगर दोस्तों आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, पावर सेविंग के ऊपर क्लिक करके सिंपली इसे भी यहाँ से ग्रेट नाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे और भी ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप गेम वगैरह ज़्यादा खेलते हो तो इसके लिए आपके सामने गेम बूस्टर है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करके आप जो भी गेम खेलते हैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, अगर आपका फ़ोन चार्ज होने में काफ़ी टाइम लेता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट चार्ज के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसे नाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट चार्ज होने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।